हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना फ्रेंड फंक्शन कर देखा था और हमने देखा था फ्रेंड क्लास क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। आज जो हम C++ के अंदर स्टार्ट करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, दैट इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस आपका एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज या और उसके बिहेवियर्स को इनहेरिट करते हैं। दैट मीन्स पेरेंट क्लास के जो आपके बिहेवियर फंक्शंस के बिहेवियर होते हैं या आपके डेटा मेंबर्स के बिहेवियर होते हैं उसको उसको क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं आपके चाइल्ड क्लास, जिसकी जिसकी वजह से आप उस आपके क्लास को क्या कर सकते थे, रीयूज कर सकते थे, उसको एक्सटेंड कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर्स को विच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। तो अगर हम बात करें तो डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट्स acquires all the properties and behaviors of its parent class objects automatically in such a way you can reuse, extend or modify the attributes and the behavior which are defined in another class. The class which inherits a member of another class is called drive class. तो यहाँ पर आपके पास दो क्लासेस का फंडा होगा, दैट मीन्स आपका एक ड्राइव क्लास होगा और एक बेस क्लास होगा। सपोज यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक क्लास बनाया एबीसी और आप यहां पर क्या करें, द क्लास विच इनहेरिट्स अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास। फिर आपने क्या करा, एक क्लास बनाया, सपोज क्लास एक्स वाई जेड और यहां पर आपने इनहेरिट करा, दैट इज पब्लिक या जो भी आप लिख रहे हो एबीसी, आपने इनहेरिट करा एबीसी को और यहां पर आपने ऐसा कुछ, तो ये जो आपका होगा ये क्या क्लास होगा, दैट इज ड्राइव क्लास होगा और ये आपका जो क्लास होगा दैट इज बेस क्लास होगा। तो यहां पर क्या है, अ क्लास विच इनहेरिट्स अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास। ये क्या कर रहा है, आपका एक्स वाई जेड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है एबीसी क्लास के मेंबर्स को, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज ड्राइव क्लास एंड द क्लास हुज मेंबर्स आर इनहेरिटेड इन इज कॉल्ड बेस क्लास। और जिस क्लास के जो मेंबर्स होंगे उनको वो इनहेरिट होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका बेस क्लास। द ड्राइव क्लास इज अ स्पेशलाइज क्लास फॉर द बेस क्लास। तो आपका ड्राइव क्या होता है, स्पेशलाइज क्लास होता है किसके लिए, बेस क्लास के लिए। अब आपके जो इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो क्या है, कोड रीयूजिबिलिटी का एडवांटेजेस है, एडवांटेज है। जब भी इनहेरिटेंस आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपको क्या यूज किसकी हेल्प में मिल रही है, आपको कोड आपको रीयूज कर सकते हो। नाउ यू कैन रीयूज द मेंबर ऑफ योर पेरेंट क्लास, सो देर इज नो नीड टू डिफाइन द मेंबर अगेन। दैट मीन्स अगर आप पेरेंट क्लास के मेंबर को आप उसको रीयूज कर सकते हो, आपको बार बार मेंबर डिफाइन करने की, दैट मीन्स उस फंक्शंस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेस कोड इज रिक्वायर्ड इन द क्लास। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, लेस आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो उसके क्या होगा, आपका जो कोड होगा वो छोटा हो जाएगा। C++ आपके पास 5 तरीके के इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। सबसे पहले क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, देन हायरार्कल होता है, देन मल्टी लेवल होता है एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। 5 तरीके के इनहेरिटेंस को आपका C++ सपोर्ट करता है। तो कौन कौन से, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हायरार्कल है, मल्टी लेवल है एंड हाइब्रिड है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी सारे जो इनहेरिटेंस होंगे इनको डिवाइड कर लेंगे दो वीडियोज में, और दैट मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्कल एक वीडियो में पढ़ लेंगे, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड एक वीडियो में पढ़ लेंगे। क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े हैं तो थोड़ा इनको डिवाइड करके वीडियोस को बना लेते हैं। तो हमारा जो इनहेरिटेंस होने वाला है वो 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम अपना सिंगल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राइव क्लास आपको क्या होता है, ड्राइव क्लास इज डिफाइंड एज अ क्लास ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास। जो बेस क्लास से आप ड्राइव करते हो वो आपका क्या होगा, दैट इज ड्राइव क्लास होगा। उसका सिंटेक्स आप क्या होगा, दैट इज क्लास, ड्राइव क्लास का नाम आप दोगे यहाँ पे, कोलन विजिबिलिटी मोड दोगे अपने बेस क्लास का, कि बेस क्लास का विजिबिलिटी मोड आपके पास कौन कौन से होते हैं, दैट इज प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है एंड प्रोटेक्टेड होता है। ये विजिबिलिटी मोड मैंने आपको इसकी वीडियो भी आपको बताई है, बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। वी आर ड्राइव क्लास का नाम जो है क्या गया, वो आपका ड्राइव क्लास का नाम हो गया। विजिबिलिटी मोड क्या है, द विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई वेदर द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास आर पब्लिकली इनहेरिट और प्राइवेटली इनहेरिट, इट कैन बी पब्लिकली और प्राइवेटली इनहेरिटेड। देन आपका क्या होता है, बेस क्लास का नाम हो गया, इट इज द नेम ऑफ अ बेस क्लास।
तो आपके ये आपका बेस क्लास का नाम हो गया, या आपका विजिबिलिटी मोड हो गया कि आप इसको पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हो या प्राइवेटली एक्सेस करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पर आपके ड्राइव क्लास का नाम हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल को, या सिंगल क्लास को देख लेते हैं। सिंगल क्लास इनहेरिटेंस क्या होता है? When a base class is privately inherited by the drive class, public members of a base class becomes the private members of a drive class. जब भी आप बेस क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो आपके जो पब्लिक मेंबर्स होंगे बेस क्लास के, वो क्या हो जाएंगे? प्राइवेट मेंबर्स हो जाएंगे आपके ड्राइव क्लास के। Therefore, the public members of the base class are not accessible by the object of a drive class, only by the members function of a drive class. तो जब आपके क्या हो जाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स हो जाएंगे, तो आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। व्हेन अ बेस क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेड बाय द ड्राइव क्लास, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आल्सो बिकम्स अ पब्लिक मेंबर्स ऑफ अ ड्राइव क्लास। देयरफॉर द पब्लिक मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास आर एक्सेसिबल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइव क्लास एज वेल एज बाय द मेंबर ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास। जब भी आप एक्सेस मॉडिफायर्स आप पढ़ोगे, मैंने आपको आपको वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे रखा है, आप प्राइवेट और पब्लिक जो आपके एक्सेस मॉडिफायर्स है और प्रोटेक्टेड आपका जो एक्सेस मॉडिफायर है, प्लीज़ आप उसको पढ़कर देख लें, सो दैट आपको जब इनहेरिटेंस कर रहे होंगे, जब आप इनहेरिटेंस का फंडास पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। तो आप मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कि आपको एक्सेस मॉडिफायर्स का, आप उसको देख लीजिएगा जब भी आप इस इनहेरिटेंस के वीडियोज को आगे कंटिन्यू करिएगा। चलिए आप सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़कर देख लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपका यह एक बेस क्लास होगा और इसको ड्राइव करेगा इस आपका ड्राइव क्लास। अ सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज अ इनहेरिटेंस इन विच ड्राइव क्लास इज इनहेरिटेड बाय फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, वेयर ए इज द बेस क्लास एंड बी इज द ड्राइव क्लास। यहाँ आपका ए जो है आपका क्या है, बेस क्लास हो गया, और जो बी है आपका क्या है, दैट इज आपका ड्राइव क्लास हो गया। सी प्लस प्लस सिंगल इनहेरिटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटिंग फील्ड्स, वेन वन क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास इट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, आपका एक बेस क्लास होगा और एक आपका ड्राइव क्लास होगा। सिंगल बेस क्लास से आपका एक ड्राइव क्लास आप क्रिएट कर रहे होंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका। यहाँ पर आपने क्लास बनाया अकाउंट, यहाँ पर इसके अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपने यूज कर, फ्लोट सैलरी 50,000। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया दैट इज सैलरी, और इसका डेटा टाइप क्या, दैट इज फ्लोट है, इसकी वैल्यू क्या, दैट इज 50,000 है। फिर आपने दूसरा क्लास बनाया दैट इज प्रोग्रामर, आपने इस क्लास को जो आपका अकाउंट क्लास है ये आपका क्या है, दैट इज बेस क्लास है। अकाउंट आपका क्लास जो है ये क्या है, दैट इज बेस क्लास है। और जो आपका प्रोग्रामर क्लास है ये आपका कौन सा है, दैट इज ड्राइव क्लास है। ये आपका जो पब्लिक है ये क्या है, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर है। आप किस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, दैट इज अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। यहाँ पर आपने फ्लोट बोनस दैट इज 5,000। फिर प्रोग्रामर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज P1। फिर आपने क्या लिखा, सैलरी P1.salary। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, P1.salary दैट इज 50,000 प्रिंट हो जाएगा। देन P1.bonus तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 5,000 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करा, देखिए प्रोग्रामर क्लास के अंदर आपने अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, और आप इसके जितने भी मेंबर्स हैं, दैट मीन्स जितने भी पब्लिक एक्सेस, जितने भी आपके मेंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। सॉरी, दैट इज फाइल ऑन वेट। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। 50,000, 5,000 क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। आपका सिंगल लेवल का एक एग्जांपल और ले लिया हमने। यहाँ पर आपने क्या करा, एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या है, एनिमल है, और ये एनिमल क्लास है आपका क्या है, दैट इज बेस क्लास है। देन आपने एक क्या करा, एक मेथड बनाया, दैट मीन्स एक फंक्शन बनाया, दैट इज ईट। यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, सी आउट ईटिंग, दैट मीन्स ये प्रिंट कर देगा ईटिंग। देन आपने क्लास बनाया दैट इज डॉग, ये आपका कौन सा है, दैट इज ड्राइव क्लास है। ये क्या है, दैट इज ड्राइव क्लास है। देन ये आपका पब्लिक क्या है, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर है।
और ये आपका क्या है, दैट इज आपका जो बेस क्लास था उसको आपने यहाँ पर इनहेरिट करा है। आपने क्या करा, void bark, और यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, दैट इज barking। फिर आपने देखिए dog क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज d1, d1.eat क्या प्रिंट करेगा, दैट इज ईटिंग प्रिंट कर देगा। d1.bark ये क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज barking प्रिंट कर देगा। यहाँ पर ईटिंग आ जाएगा और यहाँ पर barking प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉग क्लास इनहेरिट कर रहा है किसको, एनिमल क्लास को। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। बिल्ड एंड रन, क्लियर है आपको। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपना। यहां पर आपने क्या करा, दैट मीन्स एक क्लास बनाया दैट इज ए, और यहां पर आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया दैट इज ए, जिसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 4 है। बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 है। आपने क्या करा, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसकी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, दैट इज सी के अंदर आ रही है, और रिटर्न करा दैट इज सी की वैल्यू। ए जो है आपका क्या है, दैट इज बेस क्लास है। देन आपने यहां पर लिया क्लास बी, जो आपका बी है ये क्या है आपका, दैट इज ड्राइव क्लास है। और यहां पर आपने जो एक्सेस मॉडिफायर यूज करा दैट इज प्राइवेट, ये क्या है आपका एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट ए। दैट मीन्स अब ये जो क्लास है ये क्या है, ए क्लास जो है इसके अंदर प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है। वॉइड डिस्प्ले रिजल्ट मल्टीप्लाई फंक्शन को अपने यहां पे कॉल करा है, और वो किसके अंदर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज रिजल्ट वैल्यू फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू चली जा रही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, और आपने क्या करा रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किसका बनाया, क्लास बी का बनाया, और बी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, दैट इज डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज किसका आ जाएगा, दैट इज 20 प्रिंट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 20। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट ही आ गए, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको क्रिएट कर रखी है, वो आप इसके अंदर इस सीरीज के अंदर आप उसको देख लेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि प्राइवेट मेंबर्स आपके कैसे एक्सेस होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर आपके कैसे एक्सेस होंगे, और पब्लिक जो आपके मेंबर्स होंगे वो कैसे एक्सेस होंगे। अगर हम बेस क्लास विजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं तो ड्राइव क्लास के अंदर वो इनहेरिट नहीं होंगे, प्राइवेट अगर आप करोगे तो इनहेरिट नहीं होंगे, और यहाँ पर भी इनहेरिट नहीं होंगे। यहाँ पर अगर प्रोटेक्टेड है तो इनहेरिट प्रोटेक्टेड भी पब्लिक भी होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे आपके जो एक्सेसिबिलिटी मोड वाले जो वीडियो है अगर आप उसको देख लेंगे तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको इनहेरिटेंस के अंदर कोई भी सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेके, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सिंगल इनहेरिटेंस की जो भी प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो के अंदर आपकी रिजॉल्व कर दूँ। आपके जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, हेरिकल इनहेरिटेंस है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।